नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाटा IPL 2023 का क्वालिफायर टू जो कि खेला गया बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड मुंबई इंडियंस। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस हैव ऑन द मैच बाय 62 रन और गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 233 रन बनाया 3 विकेट के नुकसान पर। और गुजरात टाइटंस की तरफ से जो सबसे बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस जो रहा वो रहा शुभमन गिल, क्या शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस रहा इनका। एक ही सीजन में इतना स्कोर बनाने वाला ये दूसरा बैट्समैन बन गया, सेकेंड हाइस्ट स्कोर है कोई भी एक इंडिविजुअल बैट्समैन का। और इस सीजन में इनका तीसरा शतक है, 129 रन बनाया 60 बॉल पर विद स्ट्राइक रेट ऑफ 215। साई सुदर्शन इनका भी काफ़ी अच्छा हैंडी योगदान रहा, 43 रन 31 बॉल पर। एट द एंड हार्दिक पांड्या जो कि इस सीजन में काफ़ी लो स्ट्राइक रेट से रन बना रहा था, बट आज इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा, 28 रन बनाया 13 बॉल पर। ओवरऑल काफ़ी अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस रहा गुजरात टाइटंस का, 233 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। और मुंबई इंडियंस ऑल आउट हो गया, पूरा ओवर भी नहीं खेल पाया, 171 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर। द रीज़न व्हाई मुंबई इंडियंस लॉस द गेम, द रीज़न इज दैट दे मुंबई इंडियंस ने अच्छा से अपना बैटिंग का शुरुआत नहीं कर पाया, बट फिर भी एक टाइम ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस विल विन द मैच इजीली, जब तक कैमरन ग्रीन और सूर्य कुमार यादव का बीच में दोनों का बीच में काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप हुआ था। बट कैमरन ग्रीन को आउट किया जोशुआ लिटिल ने, हार्दिक पांड्या ने काफ़ी अच्छा कैप्टनशिप किया है। जोशुआ लिटिल ने अपना पहले ओवर पर आके ही दूसरा बॉल पर इनको आउट किया कैमरन ग्रीन को। और तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच में भी काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड हुआ था, बट तिलक वर्मा को आउट किया है राशिद खान ने। और एट द एंड सूर्य कुमार यादव, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया, 61 रन बनाए 38 बॉल पर, बट इनको आउट किया मोहित शर्मा ने क्या शानदार बॉलिंग किया, 3 ओवर बॉलिंग करते हुए 5 विकेट लिया इन्होंने, काफ़ी शानदार बॉलिंग किया। बट जोशुआ लिटिल ने एक इम्पॉर्टेंट विकेट निकाला, मोहित शर्मा ने एक इम्पॉर्टेंट विकेट लिया और राशिद खान ने 2 इम्पॉर्टेंट विकेट लिया, जो कि टीम डेविड जो कि काफ़ी अच्छा पावर हिटर है उनको भी सेट होने नहीं दिया, LBW आउट कर दिया राशिद खान ने। ओवरऑल हार्दिक पांड्या जो कि गुजरात टाइटंस का कैप्टन है, काफ़ी अच्छा कैप्टनशिप किया इस मैच में और इसके बदौलत ही ये मैच इजीली जीत पाया। अदरवाइज एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस इजीली ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि ऐसा खेल रहा था एवरी ओवर 10-12 रन 13 रन जो कि रिक्वायर्ड था उस हिसाब से रन आ रहा था। बट जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग चेंज करने के बाद ही मैच में रंग लाया, अदरवाइज तो ये मैच हाथ से निकल गया था। जो कि नूर अहमद जो है अफगानिस्तान का जो प्लेयर है उनको भी काफ़ी अच्छा मार पड़ा था, बट ओवरऑल काफ़ी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा। और द रीज़न व्हाई मुंबई इंडियंस लॉस द मैच, कोई एक बैट्समैन एक्सेप्ट सूर्य कुमार यादव इतना ठीक नहीं खेल पाया, और शुरुआत में अगर इनिंग्स में इतना बड़ा रन चेज में अगर ओपनिंग आपका जो ओपनिंग बैट्समैन है वही अगर नहीं चल पाता है तो ये मैच जीतना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज के इस मैच का जो वेन्यू रहा वो रहा नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है और एक गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड भी है। और होप इन फाइनल जो कि फाइनल जब होगा, टुडे आई वाज द सपोर्टर ऑफ गुजरात टाइटंस, जो संडे को जो फाइनल मैच होगा उसमें आई विल बी द सपोर्टर ऑफ चेन्नई सुपर किंग। होप चेन्नई सुपर किंग विल विन द मैच, इस बार भी अपना टाइटल ले पाएगा। और गुजरात टाइटंस जो कि पिछले सीज़न का विनर रहा, इस सीज़न में भी फाइनल तक आना काफ़ी बड़ा बात है एक नए फ्रेंचाइजी टीम के लिए। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा गुजरात टाइटंस के द्वारा और फाइनल में पहुंच गया। हालांकि जो पहले फर्स्ट क्वालिफायर था उसमें काफ़ी मार्जिन से हारा था चेन्नई सुपर किंग्स से। ओवरऑल आज के मैच देखने में काफ़ी पसंद आया, होप आप सबको भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।